है और हम इस मकान में आ रहे हैं, हमारा ये परिवार है और हम एडवांस भेज रहे हैं। एडवांस हमको जो है ना हमारे डिपार्टमेंट से मिलेगा। हाँ जी, आर्मी वाला, ये इन्होंने अपनी आईडी भेजी है प्रूफ के लिए कि हम जो है ये हैं जो है। एलएस पे मकान किराए के लिए डाला था जी। फिर क्या हुआ? फिर वो बोला मैं आर्मी में हूँ और मेरे को किराए के पैसे मिलते हैं आर्मी की तरफ से, तो इसलिए मेरे को आप फ़ोन नंबर दे दो अपना। तो हमने उसको फ़ोन नंबर दे दिया। फिर वो बताता रहा प्रोसेस चालू है, मोबाइल पे बटन दबाने को कहता रहा, तो वो हमने बटन दबा दिए। इसके बाद हमें लगा कि पैसे कट रहे हैं हमारे, तो हमने वही रोक दिया। हमने कि हमारे तो पैसे कट रहे हैं, तो बोला हम प्रोसेस चालू रखो, बाद में लौटेंगे। मैंने बोला कि नहीं, पहले हमारे पैसे लौटाओ, बाद में हम नहीं लेंगे। लगभग कितना पैसा कट गया? 36,300। तो क्या नाम था उसका सामने वाला जो फौजी बता रहा था? वो उसने जो है ना ये फोटो भी डाल ली। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम मधुर लता। दरंग 26/3/22 को प्रार्थी श्री मुरारी लाल वर्मा निवासी अशोक बिहार थाना आदर्श नगर अजमेर ने उपस्थित थानों को लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दरंग 21/3/2022 को शाम करीब 8:20 बजे एक व्यक्ति किराए लेने के बहाने से मेरे मोबाइल नंबर पर फ़ोन आया। वो पेटीएम वे 9983904528 लेकर बातों में हमें फंसा कर हमारे से 36,301 रुपये ठग लिए, जिसकी शिकायत पूर्व में ऑनलाइन ई मित्र पर भी दर्ज की जा चुकी है। इसके साथ ही बैंक में जाकर जानकारी की तो पैसा किस खाते में गया, उन्होंने यह पैसा कोई संजय नाम का व्यक्ति है जिसका खाता संख्या 1008516347 निवासी राजस्थान का होना बता रहा है, जिसका खाता IDFC फर्स्ट बैंक श्रीनगर रोड पर होना पाया गया, जिस पर मुकदमा दर्ज करके जांच जारी है। आपका नाम? मेरा नाम अरवान सिंह, पुलिस थाना आदर्श नगर। 21 तारीख को शाम को फ़ोन आया जो है कि हमको किराए पे मकान चाहिए, आप अपना किराए का मकान का फ़ोटो भेज दीजिए, हमें पसंद आ जाएगा तो हम ले लेंगे। मैं दिल्ली से, मेरा ट्रांसफ़र जो है अजमेर हो गया है, मैं आर्मी में हूँ और मुझको अर्जेंट चाहिए। तो मेरे को अपने डिपार्टमेंट से किरायानामा मिलता है तो मैं आपको किराया आपके उसमें डाल दूँगा, खाते में डाल दूँगा। तो अपना खाता नंबर दे दीजिए और पेटीएम चालू रखिए। तो मेरी वाइफ ने जो है पेटीएम चालू रखा और बोले पहले आप इसमें 1 रुपया डाल दीजिए जिससे मुझे पता लग जाएगा, मैं इसमें पैसे डाल दूंगा। फिर उसने कहा कि 3 महीने का इकट्ठा डाल लें, तो 3 महीने का इकट्ठा जो है 16,500 रुपये इन्होंने, उसने जैसे कहा फिर इन्होंने ऐसा कर दिया। फिर इस तरह से धीरे धीरे करके 36,301 रुपये खाते में से निकल गए। हमने कहा ये पैसे हमारे निकल रहे हैं, पैसे हमारे खाते में आने चाहिए, तुम ये क्या कर रहे हो? कि नहीं, ये प्रोसेसिंग चल रहा है, अभी सारे पैसे आपके वापस आ जाएंगे। लेकिन फिर हमने फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन नंबर स्विच कर दिया, तो हमको पता चला हमारे साथ ये साइबर जो है क्राइम हो चुका है। कौन लोग हैं? क्या बताया? ये अपने को आर्मी का बताया इन्होंने जो है। नाम तो गलत है, अमित कुमार नाम बताया है, ये कार्ड वगैरह दिया है, अपना पैन कार्ड दिया है, आर्मी का दिया है, फैमिली फ़ोटो दिया है, तो उसमें अजय अमित कुमार पाया गया है। लेकिन बैंक में जाके पता चला कि ये जो संजय के नाम से बैंक का खाता है IDFC फर्स्ट बैंक श्रीनगर रोड पे है, तो ये संजय नाम का व्यक्ति है, कोई फ्रॉड व्यक्ति है इसका है ये। शिकायत दी आपने इसको? हाँ जी, शिकायत हमने थाने में भी दर्ज कराई है, इसी में थाना आदर्श नगर में, और ऑनलाइन भी हमने केस। 36,301। आपका नाम? मेरा नाम मुरारी लाल वर्मा, अशोक विहार कॉलोनी अजमेर।